YouTube channel, it's your Jiroma 46. तो guys, तो ऐसा है कि मेरे को बहुत सारे साइट में मैसेज आए थे कि मेरे को बोल रहे थे कि शू कलेक्शन दिखाओ. तो दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं ज्यादा शूज नहीं पहनता हूँ. मेरे को शूज ज्यादा पसंद नहीं है, मगर कभी ठंडी होता है तो तब जरूर पहन लेता हूँ. जब जरूरत हो कि मैं धर्मशाला साइड जाऊं तो मैं जरूर एक दो शूज पहन लेता हूँ, वो भी मेरी मम्मा या सिस्टर का. मैं अपने से कभी शूज नहीं लिया हूँ. तो मेरा शू और चप्पल दोनों का कलेक्शन दिखाऊंगा, और हील्स का भी. और मेरा कोई कलेक्शन नहीं है, मैंने खुद से लिया हुआ तो है नहीं ज्यादा. ज्यादातर तो मुझे दिया हुआ है लोगों ने, मेरे फ्रेंड ने, जो मेरे पहचान वाले ने, उन्होंने दिया हुआ है. मैं ज्यादा चप्पल का शौकीन नहीं हूँ, शूज का वगैरह शौकीन नहीं. जो मिलता है पैर पे, कंफर्टेबल हो तो वही पहनता हूँ मैं. मगर वैसे भी कोई नहीं, आपको दिखाता हूँ मैं. विजय साफ कर. इतनी धूल जम गई है ना यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ देखना. बोल रहा था कोई बात नहीं, धूल के साथ ही दिखा दो, कोई नहीं है, क्योंकि पहले ही साफ किया हुआ है मैंने. ये धूल के साथ मतलब ये साफ कर रहा है, बंदा मानता नहीं है, क्या करूं मैं. फिर भी पूरा साफ कर रहा है, देखो तो इसको. विजय क्या कर रहे हो? रहने दो, कोई नहीं, ज्यादा साफ नहीं, जरूरत नहीं. तो गाइस, मेरा फर्स्ट वाला देखना, स्लीपर देना. फर्स्ट वाला गाइस सबसे पुराना 4 साल पहले का, ये मैंने लिया था. मुंह के सामने ही रख रहा हूँ, मतलब ये मैंने लिया था 150 रुपीज में मूनगोड में, जो कि अभी तक चला रहा हूँ, अभी भी पहनता हूँ मैं. मेरे को बहुत कंफर्टेबल है ये, नॉर्मल भी लोग पहन लो इसमें, इससे ना स्लीप होता है ना कुछ भी नहीं. बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चप्पल. फर्स्ट वाला ये है, जो कि इतना सस्ता भी है और अभी तक टूटा भी नहीं है, अभी तक यूज कर रहा हूँ मैं. मेरा फेवरेट है, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे पैर में बहुत सूट भी करता है वो. और दूसरा वाला है ये, ये मैंने लिया था चांदनी चौक से, चांदनी चौक में था, सरोजनी मार्केट से लिया था मैंने इसको 250. ये मेरी एक सब्सक्राइबर आई थी, मम्मा की फ्रेंड भी थी, उन्होंने मेरे को दिलाया था ये वाला, क्योंकि मुझे ऐसे ज्यादा पसंद है, ये लॉन्ग टाइम टिकते हैं. ये वाला देख रहे हो ना, बहुत क्यूट है, लाइक कोल्हापुरी शेप दिया हुआ है, मगर रियल कोल्हापुरी नहीं है. तो इस चप्पल को होता था कि लेने के बाद साइड एक बार सिलो तो लॉन्ग टाइम टिकता है, ये बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा. मेरे को ये बहुत सुंदर लगता है, मेरे को ज्यादा हील्स पहनने की आदत नहीं है, मेरे को ये बहुत पसंद है. दूसरा वाला, तीसरा वाला ऐसे ही सेम था, वो कहा है, वो जो मैं पहनता हूँ व्हाइट वाला, वो वाला ना, कोई नहीं, तब तक वो ब्लैक वाला दे दो. या तो तीसरा है ये वाला, ये मुझे मेरी वो धर्मशाला में जो हमें घुमाया वगैरह उन दीदी ने दिया था. ये हिल चाय पे, मगर ज्यादा हैवी नहीं है, करेक्ट है, मैं ये पहनता हूँ, बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होता है मेरे को ये ना. ये ज्यादा वजन वाला हील्स टाइप में नहीं है, ब्लैक कलर का है ये, कमनी वमनी मेरे को नहीं पता है, मेरे को लिखा भी नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि कमनी कभी पहना नहीं है मैंने. और चौथा, फोर नंबर पे है ये, जो कि मैं ज्यादा ही यूज करता हूँ, ज्यादा ही करती हूँ ज्यादा ही. ये तो देखो, अब इसका ऐसा हो रहा है, इसको 3 साल हो रहा है मैंने लिया हुआ. ये मुंबई में लिया था मैंने 150 में, और 50 रुपीज मैंने इसको सिलाने पे दिया था. अभी भी चला रहा हूँ, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक चलाऊंगा मैं. टूटेगा तो नहीं, नामुमकिन है, और थोड़ा डिजाइन जाएगा, कोई नहीं, मगर मेरे पैर में कम्फर्टेबल है. फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, मेरा पांचवा,
ये वाला हिल मुंबई में जब मैं आई थिंक यू नो ऑल मैं जयेश के साथ थी, ये तब मैंने ऑर्डर किया था वहां पे जयेश के घर पे, तो ये आया था। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसको 599 दिया था, जो कि अभी 2-3 साल हो रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं पहना हूँ इसको, बहुत कम 2-3 बार ही पहना होगा। उसके बाद मैंने खुद इसको जानबूझ के 50 रुपीज 50-50 दे के मैंने ये सिलाया था साइड में, क्योंकि ये सब कंपनी होता नहीं है तो टूटने का बहुत चांसेस होता है, तो इसलिए मैंने ये सिलाया था। ये मैं कभी कभी पहनता हूँ कोई पार्टी जाऊं तो, नहीं तो नहीं, मेरे को ज्यादा पसंद नहीं, इतना पसंद पैर में दर्द होता है। छठा 6 नंबर पे है ये वाली ऐसा चप्पल है, ये वही दमसला वाली दीदी ने दिया था मेरे को, और ये उन्हीं का चप्पल है जो कि डिजाइन उन्होंने किया बोला था, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डिजाइन किया है, मगर उन्होंने डिजाइन किया हुआ है बोला। तो ये चप्पल उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, मगर मैं नहीं पहना हूँ अभी, पहनने का मौका ही नहीं मिला तो इसलिए मैंने नहीं पहना, क्योंकि मेरे पैर में मोच है ना तो नहीं पहन पाया, तो नहीं पहना मैंने ये, देख रहे हो ना। तो 6 में है ये वाली हिल, ये वाली हिल है, बहुत ऊंचा है ये, देख रहे हो आप, ये पार्टी वेयर ड्रेस के लिए सही है ना। तो ये मेरे को भी गिफ्ट है, और ये मेरे को दिया हुआ है अतिन जिमा ने, ब्लॉकर है आई थिंक यू नो, उन्होंने मेरे को दिया था ये, अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन्होंने शायद मेरे को 3 दिया हुआ है ना, हाँ 3 दिया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ये वाला जो कि मैंने अभी तक पहना नहीं है, पहनने का मौका मिला तो जरूर पहनूंगा, और दूसरा ये 8वां है ना, 7 नंबर लकी नंबर। तो ये शू ये भी अतिन जिमा ने दिया है मेरे को, अतिन जिमा ने दिया है, ये भी बूट है, ये बूट विथ हिल्स बूट है, क्यूट है ना ये, मेरे को कंफर्टेबल भी है, मेरा पैर का साइज एक ही है। और ये वाला तो मेरा है, ये लेदर का प्योर है, प्योर, मैं इसको जब मैं मंगोर से आई थी तब ले आया था मैंने इसको, पागल है क्या, स्कूल में ये थोड़ी पहनने देंगे। ये वाली कोई मम्मा की फ्रेंड हो है, पता नहीं किसने बाहर देश से दिया था ये, कुछ कंपनी का है ये, मगर ना इसलेबिला क्या एनसिलमी कुछ इस एबला क्या पता नहीं, एंड ये वैसा पता नहीं, मगर ये बहुत घट है, बहुत इतना घट है ना गाइस, क्या पूछू मैं, क्या बोलू मैं, बहुत घट है, और पैर में कंफर्टेबल भी है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं ये ज्यादा पहना नहीं हूँ, अब ज्यादा पहनने की ठंड में पहनने की कोशिश करूंगा। एट है ये भी हिल्स, जो कि मैं धर्मशाला गया था, छुआ के नीचे पहना था मैंने ये भी मेरे को अतिन जिमा ने दिया हुआ है ये वाली हिल, ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक ठाक है, अतिन जिमा ने दिया था मेरे को ये, मैंने ये छुआ के नीचे भी पहना था, सबको बहुत अच्छा लग रहा था ना छुआ के नीचे, बहुत सुंदर लग रहा था मेरे को ये, इस टाइप पसंद है, मगर ये इतना बहुत दर्द देता है ना पैर में, कोई नहीं मैं ऐसे ही लेने की कोशिश करूंगा, और भी मेरे को ये कंफर्टेबल लगा, ज्यादा हिल लंबा नहीं ना, तो ओके। तो सेकेंड लास्ट में है ये वाली, ये भी वही गमसला की दीदी ने दिया था, जो कि मैंने पहना नहीं है ये अभी, ये डिजाइन उन्होंने खुद किया है बोला, ये वाला ऊपर वाला इन्होंने खुद घर बैठे बैठे किया हुआ है, ये भी हील है, छुआ के नीचे कंफर्टेबल पहन सकते हो,
और लास्ट मेरा एक शू है वो दिखाना, लॉन्ग शू टाइप है ना ठंड में पहनने के लिए। ये मैंने मेरी सिस्टर ने दिया था, कजन सिस्टर ने, ये वाली दिया था उन्होंने मेरे को। कब दिया था? एक साल पहले, अभी भी है। मैंने इसको एक ही बार पहना था, उसके बाद नहीं पहना मैंने इसको, क्योंकि ठंडी है नहीं अभी, ठंड के टाइम ये कंफर्टेबल रहेगा ना। और मेरा फेवरेट वाला एक ही शूज जो कि मैंने लिया है अपने पैसे से लिया हुआ है, जो कि ये है। सॉरी गाइस, मैंने इसको अभी इतना गंदा हुआ भी नहीं है और ज्यादा ये नहीं हुआ, काला टाइम नहीं हुआ है मेरा, अभी भी अच्छा ही है शूज, क्योंकि ज्यादा मैं ज्यादा ये पहनती नहीं हूँ ना। तो इसको मैंने दिया था 2300 रुपीज मशरूगाटी एमटी में, है ना। ये कंपनी नाइक एयरफोर्स है, ये फर्स्ट कॉपी है, अच्छा है, कंफर्टेबल है। मेरा पैर बहुत छोटा है, मेरा ना पैर का नंबर देखना, चप्पल है गाय, देखो ना कैसे मजा आ रहा है। यूके नंबर 3, यूरो नंबर 36, 5.5, यूएस नंबर 5.5 है मेरा। फिर भी अभी ये भी लूज होता है मेरे को। तो गाइस, आज का मेरा शू कलेक्शन आपको पसंद आया होगा बहुत ही ज्यादा, और आपको कौन सा पसंद आया मेरे को जरूर कमेंट में बताना। पहले दिखाता हूँ कि विजय ने कैसे किया है मेरा शूज क्लीन। देखो पूरा साफ सफाई करके रख दिया बंदे ने। ओ माय गॉड, मेरी जान, आई लव यू। यहाँ की कैसे की इतना गंदा, लोग भी हैरान हो गए। इधर मुंह दिखाना, देखो सिगरेट, कब देखे तो सिगरेट। इसके सिगरेट से मेरे को होता है, खांसी आती है। वही तो, मत पिया करो ना। ये देखो कितना साफ करके रखा है, थैंक यू बेबी। तो गाइस, तो यही है आज का मेरा शू कलेक्शन। तो अभी हाथ भी बहुत गंदा हो गया मेरा। ओके, देन आप सबको पसंद आया होगा, प्लीज मेरा ये कलेक्शन में कौन सा अच्छा लगा जरूर बता देना। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और गाइस, विजय का लिंक मैं आज भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा गाइस, देख लेना उसका व्लॉग आज का, आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या बनाया है। ओके देन बाय, लव यू ऑल गाइस, लव यू लव यू लव यू, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून, बाय, गुड नाइट।